प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश में बढ़ती मॉब लिंचिंग, गुंडागर्दी और आदिवासी दलित मुस्लिम बेरोजगार छात्रों पर होते अत्याचारों के खिलाफ युवा कांग्रेस के नेता प्रतीक पवार के नेतृत्व में रावण रूपी भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। भाजपा सरकार में नीमच जिले के सिंगरौली में कन्यालाल भील नामक आदिवासी युवक को पहले तो बुरी तरीके पीटा और बाद में उसे पिकअप वाहन पर बांध कर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना मानवता और प्रदेश के मस्तक पर कलंक है। इसके पूर्व भी इंदौर, देवास, सतना में भी विभत्स घटनाएं हो चुकी है। युवा नेता पवार ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी विरोध सरकार स्थापित हो चुकी है, अब इसे बदलना जरूरी हो गया है। जिला उपाध्यक्ष सुल्तान भुट्टो ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, राज्य में सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। विधानसभा महासचिव हरिओम पाटिल ने कहा, प्रदेश में शिवराज और महाराज ने जंगल राज स्थापित कर दिया है। प्रदेश में रोजाना अराजकता बढ़ती जा रही है। छात्र संघ नेता आयुष खानगुआ ने कहा कि भोपाल में बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठियां से भांजी गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस्तीफा दे से गाँव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया। ये मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है, इसके विरोध में भगवानपुरा विधानसभा यूथ कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या नाम लिखते हो? मैं प्रतीक सिंह पवार, AICC। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।